आज हम बनाएंगे आटे के लड्डू। एकदम खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और पौष्टिक भी बहुत हैं। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल के बनाए हैं, तो आप एक बार ऐसे मेरे तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। अगर खाने में अच्छे लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई लिया है और गैस को कर दिया है ऑन। अब इसमें डालेंगे हम देसी घी। छोटे छोटे टेबल स्पून चम्मच हैं तो दो तीन चम्मच हम देसी घी को डाल लेते हैं। सभी ड्राई फ्रूट को हमें फ्राई करना है। ये मैंने डाल लिया है। देसी घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें मूंगफली के दाने लिए हैं मैंने, आधा छिलका हटा लिया है और आधा रहने दिया है। ऐसे ही हम इनको कर लेंगे। एक कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं हमने, अब अच्छे से इनको तल लेते हैं। ये लगभग आधे तल गए हैं। अब यहीं पे मैंने ये लिए हैं बादाम और इसमें काजू भी हैं। बादाम को मैंने आधे पीसों में काट लिया है और ऐसे ही काजू को मैंने आधे पीसों में कर लिया था। इनको यहीं पे डाल देते हैं, इनके साथ ही तलेंगे। अब यहीं पे मैंने थोड़ा सा ये लिया है अखरोट। अखरोट को मैंने मींग निकाल ली थी, इन बारीक कर करके काट लिया है इसको। अब इनको भी यहीं डाल देते हैं हम। यहीं पे मैं डाल लूँगी ये आधे कटोरी मैंने तिल लिए हैं, इनको डाल देते हैं। तिल ये वाइट वाले हैं। आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे के लड्डू। ये इतनी सारी चीज़ें मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ठंड आ रही है। ठंड के लिए देखिए मूंगफली, बादाम, काजू और ये तिल बहुत अच्छे रहते हैं खाने में, ठंड में भी फ़ायदा करते हैं। अब यहीं पे मैंने ये एक कटोरी के करीब नारियल ले लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसको डाल देते हैं। किरमबाइज मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो चीज़ मैंने पहले डालनी थी, ये मुझे कम तलनी है, इसलिए मैं इनको सबको किरमबाइज डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये खसखस लिया है, आधी चम्मच, वो आधी कटोरी है, इसको यूज करेंगे। ये बहुत हेल्दी भी होता है और सर्दियों के लिए बहुत अच्छा भी रहता है। इसको डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चला देते हैं। गैस को हम हल्की आंच पे ही इनको सभी को भूनेंगे, जिससे ये जल भी ना पाए और अच्छे से भुन जाए। ये देखिए सारी चीज़ें हमारी भुन गई हैं। अब इनको हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। देखिए ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है। ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे हैं। बादाम है, मूंगफली है या जो तिल है, ये ठंड में बहुत अच्छे रहते हैं। देखिए मैंने सारी चीज़ों को निकाल दिया है। अब मैं घी यहाँ पर और लगाऊँगी, गैस को हल्की कर लेंगे। बिल्कुल घी मैं लगा देती हूँ 4-5 चम्मच। ये देखिए अभी इतना ही लगाते हैं, ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। घी लगा दिया है। आधा किलो आटा ले रही हूँ गेहूँ का। अब इस आटे को जब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए या इसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे। चलिए इसको भूनते हैं। इसको भूनने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो अच्छे से हल्की आँच पर ही इसको भूनेंगे। तेज़ आंच पे ना भूने, नहीं तो आटा चल जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए मुझे अच्छे से चलाते हुए भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं और आटे का कलर भी एकदम ये देखिए चेंज हो गया है। लेकिन अभी ये भुना नहीं है, अभी कच्चा है। तो ऐसे ही हम 10 मिनट और भूनते हैं, फिर देखते हैं कैसे होगा। एक ध्यान रखिएगा, एक बात, इसको चलाते रहिएगा नहीं तो तले से लग जाएगा और आटा जल जाएगा, तो लड्डू का टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा, खाने में टेस्ट नहीं आएगा। चलिए 10 मिनट और भूनते हैं इसी तरह से। देखिए भूनते भूनते मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं आटे के लिए। अब ये मेरा आटा भून कर एकदम तैयार है। देखिए एकदम ये ब्राउन हो गया है हल्का,
देखिए कलर चेंज हो गया ना, इसका मतलब ये भुन गया, अच्छे से भुन गया और अच्छी महक भी इसमें आने लगी। गैस को कर देते हैं बंद। अब इस आटे को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब मैंने कढ़ाई दोबारा से ले ली है और इसमें ये छोटा छोटा काट लिया था, आधा किलो मैंने आटा लिया है तो ये आधा किलो से थोड़ी सी कम है, वो गुड़ ली है मैंने, क्योंकि हमें लड्डू ज़्यादा मीठे पसंद हैं इसलिए। अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा पानी मेल्ट होने के लिए। करीब आधा ही कटोरी पानी रखेंगे। अब इस गुड़ को हम मेल्ट होने देते हैं पानी में। मेल्ट होने के लिए इसको गुड़ को चलाते रहिए जिससे ये कढ़ाई में नीचे लग ना जाए। गुड़ हमारा लगभग मेल्ट हो चुका है, देखिए थोड़ा सा बचा है ये भी मेल्ट हो जाएगा। अब इसको अच्छे से पकाते हैं, ओनली पकाना है अच्छे से, कोई चाशनी नहीं बनानी है, कुछ नहीं बनाना है। गुड़ मेल्ट होने के बाद 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। जब अच्छे से पानी और गुड़ पक जाएगा तब हम लड्डू बनाएंगे। देखिए गुड़ मेरा पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसको मेल्ट होने के बाद हम इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे, फिर एकदम हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। गैस को मीडियम टू लो ही रखेंगे, हाई नहीं करनी है, हाई करेंगे तो गुड़ जल जाएगा और लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए गुड़ पकने का केवल इतना ही देखना है, जैसे हम कच्छली से ले रहे थे तब एक साथ जा रहा था, अब जब बाद में हम डाल रहे हैं तो देखिए ये बूंद बूंद टपकने लगा, इसका मतलब हमारा गुड़ पक के तैयार हो गया है। अब यहीं पे हम गैस को कर देते हैं ऑफ और इसको ठंडा करते हैं 10 मिनट के लिए। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा तभी हम लड्डू बांध पाएंगे, नहीं तो लड्डू हमारे नहीं बन पाएंगे। गर्म रहेगा तो फिर हाथ नहीं पड़ेगा तो लड्डू भी नहीं बनेंगे। करते हैं 10 मिनट का वेट। यहाँ पे मैं भूल गई थी, जो मैंने 4-5 इलायची ली थी इनको मैंने बारीक मतलब उसमें इनाम दस्ते में कूट लिया है, इनको डाल देते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मिला देते हैं इसी चाशनी में, अच्छे से इनका फ्लेवर आ जाएगा। अब जो आटा हमने भून के रखा था उसको ले लिया मैंने, और ड्राई फ्रूट भुने थे उनको भी सभी को डाल लेते हैं इसमें। अब इन सबको कर लेते हैं मिक्स हम आटे में। ये सभी मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। अब इसमें जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी ही हम चाशनी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। चाशनी को हमने कंप्लीट ठंडा नहीं किया है, थोड़ा गुनगुना ही रहने दिया है, बस इतना ही ठंडा किया है जितना हम हाथ से इसको टच कर लें। जो बची हुई चाशनी है वो भी हम डाल लेते हैं। देखिए सभी चाशनी हमारी मिला ली है हमने। अब यहीं पे हम डालेंगे घी टेस्ट बनाने के लिए। देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब आटा भूनते टाइम मैंने कम डाला था, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और डालेंगे 4-5 चम्मच। अब इनको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स, घी को डालेंगे। अब देखिए एक गरम गरम कोई हम लड्डू का सेक देंगे। अब देखिए मिक्स हो गया है और इनको हम छोटे छोटे लड्डुओं का सेप दे देते हैं अच्छे से। देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू तैयार हुए हैं हमारे आटे के बनके। इसी तरह हम सारे लड्डुओं को तैयार कर लेते हैं।